भाषा लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भाव जानते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? हम परिवार में माता पिता के साथ बचपन से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं? देश में कार्यालयों में जिस भाषा में कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी दिवस कब क्यों मनाया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 दिसंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है। भाषा सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। संस्कृत, मराठी तथा नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। बोली किसे कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा जो किसी स्थान विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि। व्याकरण का काम क्या है? भाषा शुद्ध रूप में बोली, लिखी एवं पढ़ी जाए, यह काम व्याकरण का है।